ऐसे स्टूडेंट जो खासकर जामिया इस्लामी इस बार एंट्रेंस एग्जाम दिए चाहे वो किसी भी कोर्स में हो बहुत सारे स्टूडेंट्स का वो कमेंट आना शुरू हो गया खासकर इंट्रेंस टेस्ट के रिजल्ट को लेकर चाहे वो बी ए पॉलिटिकल साइंस बी बी कॉम बी एल एल वी जितने भी कोर्स में चाहे वो यू जी कोर्स हो पी जी कोर्स हो इवन डिप्लोमा हो और स्कूल की भी बात कर ले इन सारे कोर्स के रिजल्ट के अपडेट्स के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे क्योंकि सेम टॉपिक में अलग अलग स्टूडेंट्स का कमेंट आ रहे होते हैं और सबका सेपरेटली रिप्लाई करना मुश्किल होता है दैट्स वही ये एक शॉर्ट वीडियो है और इसमें आपको फाइनली uh, uh, दो चीज़ें हम फोकस करेंगे कि रिजल्ट कब तक आ रहा है और क्या आपको ऐसे सिचुएशन में क्या करना है देखिए uh, अभी सबसे पहले चाहे आप किसी भी कोर्स के लिए जामे में दी हो चाहे वो मास्टर्स के कोर्स के लिए दी हो या यू के किसी भी कोर्स के लिए दी हो या पी जी इवन बी टेक सारे कोर्स की हम बात कर रहे हैं आपको सिंपली गूगल पे जाना है सर्च करना है जे एम आई सी हुई जैसे आप सर्च करेंगे तो इस तरीके एक आइकन दिखेगा आपको यानी कि मैं बताना ही चाह रहा हूँ कि आपके जो रिजल्ट आएंगे वो जाम इस्लामिक ऑफिशियल वेबसाइट पर आएंगे वहाँ पे आप अपना रिजल्ट जाकर चेक करेंगे अगर आपका नाम आया हो रहेगा देन आपका एडमिशन मिलेगा और किस तरीके से एडमिशन होगा एडमिशन प्रोसीजर पर एक वीडियो हम लाएंगे ताकि आपको सारे स्टूडेंट को ये पता चल जाए कि जाम में एक्चुअल में एडमिशन होता कैसे है अब जामे एक ऑफिसियल वेबसाइट पर आ जाएंगे तो आपको स्क्रॉल करते हुए हल्का से नीचे आना है और यहाँ पे आपको एडमिशंस का सेक्शन दिखेगा अगर आपके रिजल्ट आएंगे तो एडमिशंस वाले सेक्शन में ही दिखेंगे चाहे आप किसी भी कोर्स के लिए अप्लाई की हो बट अभी एक लिंक बनकर क्रिएट हुआ है मतलब का, का, काफी दिन हो गया ऑलमोस्ट वन वीक से ज्यादा ही हो गया स्कूल के जो स्टूडेंट्स हैं वो चाहे तो इस लिंक के थ्रू देख सकते हैं लेकिन इनका अभी रिजल्ट आया नहीं है ऐसे में इनका जो रिजल्ट एज एक्सपेक्टेड बता रहा वो मिड जुलाई यानी कि पंद्रह जुलाई के बाद से ही इनके रिजल्ट आने शुरू हो सकते हैं यानी पंद्रह जुलाई से एंड जुलाई के बीच में सारे कोर्सेज का रिजल्ट आएगा चाहे वो स्कूल वाले हो पी वाले हो या फिर यू जी जिस भी कोर्स में दियो, क्योंकि आप कहेंगे इतना टाइम क्यों लग रहा है उसकी सबसे बड़ी वजह ये कि जामिया ऑलरेडी एंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट कराने में एवन थर्टीन जुलाई तक भी जी है। मतलब जामे का एंट्रेंस एग्जाम जो है थर्टीन जुलाई तक चलता है ऐसे तो इनके 5 जुलाई तक खत्म हो रहा है लेकिन आ, कुछ पेपर है जो 13 जुलाई ट्वेल्व एंड थर्टीन जुलाई को होंगे सो दैट्स वाई इनका जो पेपर जो फाइनल होगा वो 13 जुलाई के आसपास फाइनल हो जाएगा उसके बाद जस्ट जो है फिर आपके रिजल्ट चेक होने शुरू हो जाएंगे और रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे ये जो रिजल्ट की बात कर रहे हैं एक ये भी होता है जैसे सिस्टमेटिकली रिजल्ट आता है एक बार में सारे रिजल्ट नहीं आता है जैसे लाइक आज मान लिया अगर बी पॉलिटिकल का है अगले दिन हो सकता है बीबीए का आया है अगले दिन हो सकता है बी का है इस तरीके से हर दिन एटलीस्ट फोर टू फाइव या टेन कोर्स का भी रिजल्ट मतलब एक दिन में कम से कम दस से बारह कोर्सेस का रिजल्ट आता है ऐसा देखा गया है लास्ट ईयर से हुआ है तो यहाँ पे बस मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि आपके जो एंट्रेंस टेस्ट का जो रिजल्ट है वो कब तक आ सकते हैं मिड जुलाई के बाद यानी पंद्रह जुलाई के बाद से लेके एंड जुलाई के बीच में मोस्टली आ जाएगा बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा नंबर वन ये नंबर टू ये कि आपको रिजल्ट कहाँ से पता चले देखिए स्कूल वाले स्टूडेंट्स तो यहाँ से रिजल्ट चेक कर लेंगे इस तरीके से अगेन रेड कलर से ये रेड कलर से दिख रहा है ना रेड कलर से एक लिंक बनेगा इसके बीच में मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ ये यानी कि एंट्रेंस टेस्ट सिलेबस के ऊपर से लेकर इस वाले इस इस, इस वाले एरिया में आपको आप जिस तरीके से यहाँ पे स्कूल रिजल्ट लिखा हुआ रहा है इस तरीके से यहाँ पे रिजल्ट लिखा हुआ है यू जी पी जी बी टेक बी आर का रिजल्ट दो हज़ार बाईस तेईस लिखा हुआ आएगा उसके बाद आप सिंपली अपना रिजल्ट जो है चेक कर पाएंगे बस यहाँ पे ये यह, बाकी है कि जैसे जैसे आपके रिजल्ट को लेकर अपडेट आते जाएंगे आपको अपडेट कर दिया जाएगा मगर यहाँ पे अभी के हिसाब से आपका मिड जुलाई के बाद ही क्योंकि ऑलरेडी उनका एडमिनिस्ट्रेशन कंप्लीट बीजी है यहाँ पे मैं फिर से बताना चाहूँ जो भी स्टूडेंट्स रिजल्ट को लेकर कमेंट कर रहे थे उनका मैंने फाइनली इस वीडियो में आंसर दे दिया है अब बस कुछ नहीं करना है आपको दिन में एक बार आके विजिट कर लेना है वरना अगर आप नहीं भी विजिट करते अभी आप अगर पंद्रह जुलाई के बाद अगर विजिट करो तो भी बेहतर हो सकता है ऐसा नहीं बाकी तो ये कि आप अगर इस चैनल को सब्सक्राइब कर रखें तो आपको हर दिन जो भी अपडेट होंगे आपको अपडेट कर दीजिएगा ऐसा नहीं कि आप रह जाएंगे ऐसा कुछ नहीं होने वाला होगा आप बस चैनल से अपडेटेड रहिएगा एंड आने वाले जो भी अपडेट आता है उसको लेकर अपडेटेड आने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए